अगर किसी स्टूडेंट को नीट JEE और CET के एंट्रेंस में अच्छा परफॉर्म करना है तो उसे दो चीज़ों पर ध्यान देना होगा। पहला, उसके सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा, उसे प्रैक्टिस और सेल्फ स्टडी करनी होगी। वसीम सर ट्यूटोरियल्स में हम आपको एक प्रॉपर स्टडी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपकी दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। साथ ही साथ आपको अच्छे टीचर्स, स्टडी स्पेस और लाइब्रेरी जैसी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएगी। 90% स्टूडेंट जो घर पे सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं और सोशल मीडिया, गेमिंग जैसे चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, उनके लिए इस तरह का स्टडी एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। सभी स्टैंडर्ड के एडमिशंस ओपन हैं, अभी कॉन्टैक्ट करें एडमिशंस के लिए दिए गए नंबर पर। कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। विकास की दबंगई या दबंगई का विकास, क्या कहेंगे? एक उदाहरण फिर एक बार हम आपके सामने ला रहे हैं। कौसा रशीद कंपाउंड परिसर से बाईपास से सटी हुई इमारत है रईस अनीस। रोड वाइंडनिंग में जो सर्विस रोड यहाँ इस क्षेत्र में बनाया जा रहा है, वहाँ से गुजरने वाले इस परिसर के इस रोड के लिए जो है इस इमारत को जो है तोड़ने का काम थाने मनपा ने तय किया है। इससे पहले भी एक खबर हमने आपको बताई थी, यहाँ आकर के जबरन मुमरा प्रभाग कार्यालय के सहायक आयुक्त सागर सालुम के कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी और पूरा अतिक्रमण विभाग का अमला, इन्होंने यहाँ मकान खाली करवाए थे। कई लोगों ने चाबियाँ भी ली थी, कुछ गए भी थे शायद उस इमारत में, लेकिन कईयों की चाबियों से ताले खुले नहीं, ऐसे भी कुछ मामलात हुए थे। ऐसी बातें मेरे कान पर आई थी, कईयों ने मुझे फ़ोन करके बताया था। तो ये अब लोग यहीं पर है, आज फिर यहाँ पर ये मनपा के अधिकारी आए धनंजय गोसावी और सागर सालू के, वो इस इमारत को आज जबरन खाली कराना चाह रहे थे। उसके लिए उन्होंने यहाँ पर तोड़फोड़ भी की है। ये निचली मंजिल का फ्लैट है, यहाँ तोड़ा गया है इसकी, ये रूम मालिक है और ताला था, ये मकान में कोई भी नहीं थे। इसी तरीके से ये एक और खाला हमारे साथ हैं, तीसरी मंजिल पर इनका मकान है, इनका ताला तोड़ा गया। उसके अलावा और भी कुछ मकानों को नुकसान पहुंचाया गया। अब सबसे अहम बात, हमने अपनी खबर की शुरुआत में कहा, जैसा कि हम बता रहे थे, विकास की दबंगई या दबंगई का विकास, तो क्यों कहा हमने ऐसा? कानूनी उसके नुक्ते हैं, एक प्रोसीजर ऑफ लॉ है। ये बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के जितने भी दुकानदार और जितने भी फ्लैट धारक इस रोड वाइंडनिंग में बाधित होंगे, तो उसके लिए सबसे पहले इन तमाम फ्लैट धारकों को, इन दुकान मालिकों को थाने मनपा मुमरा प्रभाग कार्यालय ने एक नोटिस देना चाहिए था। BPMC एक्ट के तहत हो या MRTP एक्ट के तहत हो, तो इसके तहत इनको एक नोटिस दे करके, इनकी सुनवाई करके, इनके मकानात का एरिया कितना है, इनकी दुकानों का एरिया कितना है, उसका बायोमेट्रिक करके, टैक्स पावतीज है, उसके प्रॉपर्टी के पेपर्स है, और उसके बाद इनके रिहैबिलिटेशन की उनको पूर्ति करनी होगी। मगर पिछली खबर हम आपको बताई, उस वक्त भी कोई यहाँ पर कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई थी और आज भी नहीं की गई है। अब बता दूँ, कुछ दुकानदार हैं नीचे के, कुछ दुकानदार हैं जिनको बहुत ज़्यादा जोर डाला जा रहा था, तो ये दुकानदार हाईकोर्ट गए थे। अब हाईकोर्ट ने थाने मनपा प्रशासन को, मुमरा प्रभाग समिति कार्यालय को ये आदेश दिया है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को पूरा किया जाए, और ये लोग जब आप उनका पुनर्वसन करेंगे या उनके एवज में उनको कोई मुआवजा देंगे, तो वो देने जब राजी हैं, तो इसको आपको करना होगा। तो इस आदेश के बाद दुकानदारों को आज नोटिस आई है। मगर जिस तरह की दबंगई आज दिखाई गई है, सीधा आकर के दरवाजे तोड़े गए, ताले तोड़े गए, जो भी तोड़फोड़ की गई है, ये कौन सी कानूनी परिभाषा में आते हैं? कौन सा कानून जो है मनपा अधिकारियों की इसकी इजाज़त देता है? ये सवाल जो है आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसमें उभर करके सामने आए। हम बात करेंगे रईस अनीस के, यहाँ पर निवासी हमारे साथ, फ्लैट धारक भी हैं और दुकान मालिक भी है। सबसे पहले जिस महिला का मकान इस तलमन जिला पर तोड़ा गया है वो हमारे सामने यहाँ मौजूद है। ये आपका मकान है, पीछे क्यों दौड़ रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? सना नाम है मेरा। सना, ये मकान आपने कब खरीदा था? मेरे अम्मी ने पहले ही 30 साल पहले हो गया मकान खरीद के। ये आपकी अम्मी? हाँ, ये मेरे अम्मी है। आपने ये मकान खरीदा? कब खरीदा? 92 में, 92 में खरीदा। अब दुकानदारों को दी गई नोटिस में मनपा कह रही है कि बिल्डिंग इलीगल है, इसके लिए हम इसको तोड़ देंगे,
नहीं ये इलीगल क्या बोलूं, 30 साल से उनको पता नहीं था क्या ये इलीगल है? हाँ टैक्स ले रहे हैं ना? हाँ टैक्स तो बराबर, पानी का बिल भी ले रहे हैं। हाँ, पानी का बिल भी ले रहे हैं, बिजली भी मिली हुई। हाँ बिजली भी है ना, ठीक है। आज ये तोड़फोड़ क्यों की उन्होंने? उन लोग को तोड़फोड़ करनी थी क्योंकि लोग ना ये हम लोग ने खाली किया हुआ है। कोई यहाँ पे मेंबर प्रेजेंट नहीं है, कोई भी मेंबर प्रेजेंट नहीं है। चाबी दी हुई है, हम लोग शिफ्टिंग कर ही रहे, चालू है शिफ्टिंग। अच्छा सिर्फ चाबी दी गई है, कोई कागजात? एक कागज दिया हुआ है, वो सिर्फ ब्लैंक पेपर है, उस पे सिर्फ कुछ लिखा हुआ है कि हम लोग चाबी दे रहे, बाकी कुछ अलॉटमेंट पेपर नहीं दिया हम लोगों को, कुछ भी नहीं दिया अभी। ये एक सबसे बड़ी बात है कि अलॉटमेंट पेपर नहीं दिए गए, सिर्फ चाबियाँ दी गई है। चाबियों के ऊपर ये पुनर्वसन के फ्लैट जो है वो किस तरीके से इनके मालकी हक के हो जाएंगे, ये कैसी गुत्थी मतलब मनपा प्रशासन द्वारा जो है वो पैदा की जा रही है? ये कितने बजे आज तोड़फोड़ हुई है? 4 बजे के करीब। 4 बजे। हाँ। कौन कौन आया था? सागर सालुंगे सर आए थे, गोसावी सर आए थे, और टीम थी उनकी पूरी, हम लोग कोई भी प्रेजेंट नहीं था यहाँ पे। ठीक है जी। हमारे साथ में भाई है, भाई आपका भी मकान है इसमें, कौन सी मंजिल पर है? ठीक, तीसरी मंजिल पर है। क्या हुआ आज? आज तो हम लोग, मैं भी घर पे नहीं था। हाँ। मेरे को फोन आया कि बोले ऊपर म्यूनसिपालिटी सब चढ़ी है तोड़ने के लिए। हाँ। तो मैं आया यहाँ पे देख रहा हूँ, तो ऊपर नीचे का तोड़ के ऊपर फिर गए टेरिस के फ्लैट तोड़े, ऊपर हाँ। का दरवाजा तोड़ दिए। हाँ। और हम लोग बोल रहे कि हमको शिफ्टिंग लेटर सिर्फ दिया जा रहा है, हम लोगों को आने में लेटर तो दिया नहीं जा रहा, तो हम लोग कैसा जाएंगे यहाँ से? कल को हमको वहाँ से भी निकाल के फेंक देंगे तो हमारे लिए कौन खड़ा होगा? जैसे आज कोई हमारे लिए नहीं खड़ा हो रहा है, तो कल को हमारे लिए कौन खड़ा होगा वहाँ पे? नहीं कुछ राजू अंसारी कुछ कोशिशें कर रहे थे आप लोगों के लिए? हम लोग राजू अंसारी, हम लोग को पहले बोला गया था कि बिल्डिंग सिर्फ कटिंग में जाएगी, सिर्फ कटिंग ही। हाँ। और वो कट्टे कट्टे आज ऐसा मसला आ गया है कि बोले कि पूरी बिल्डिंग गिराई जाएगी, लेकिन पूरी बिल्डिंग का कोई मसला ही नहीं आ रहा गिरने का। अच्छा। जबकि सिर्फ कटिंग का है, अरे अपना सर्विस रोड के लिए बिल्डिंग कटिंग में जा रही थी। ठीक है। हमारे साथ में खाला आप आगे आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौहर शेख है। क्या हुआ? हम लोग नहीं थे, हम लोग ताला तोड़ दिए, हम लोग को फिर फोन आया तो हम लोग ऐसे ही भाग किया रिक्शा पकड़ के। अच्छा। हाँ आपका भी दुकान है? आपका भी दुकान है? हाँ, मेरी भी दुकान इनका है। आपका भी दुकान है? ये सब दुकानदार हैं। आपको क्या कहा गया है मनपा की तरफ से? पहले तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा। जब हम लोग गए तो पर्टिकुलर ये चाचा को इतनी बुरी तरह से झिड़का गया, कहते दुकान वाले को कुछ नहीं मिलेगा करके, तुम लोग जाओ करके यहाँ से। हाँ बहुत बुरी तरह से झिड़का देगा, सिर्फ पहले घर वालों का देखेंगे, उसके बाद में फिर दुकान वालों का देखेंगे। बोलो चाचा। हमसे तो ये कहा गया है कि दुकान वालों को दुकान मिलेगी नहीं, आज तक हमने किसी दुकान वाले को दुकान दिया ही नहीं है, और आपको हम कहाँ से देंगे? आपका कोई मामला नहीं, आप यहाँ से भागो। ठीक है भाई। ये जो कुछ भी मनपा पिछले महीने भर से यहाँ कर रही है, तो आप लोग हाईकोर्ट भी गए कुछ दुकानदार? हाँ हम लोग हाईकोर्ट से पिटीशन भी फाइल करे, ये बताना चाहूँगा आपको मैं। ये देखिए ये हाईकोर्ट का पिटीशन है, ये स्टे ऑर्डर है ये। हाँ हाँ दूसरा पेज भी है। अभी ये नोटिस के बाद सडनली उन लोग जागते हैं और बोलते हैं क्या तुम लोग हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद सडनली उन लोग जागते हैं और बोलते हैं क्या प्रोसेस फॉलो करो करके, लॉ प्रोसेस फॉलो करें। अच्छा, ये आज नोटिस दी गई है, इनके बाद नोटिस है, आप नोटिस दिखाएंगे ज़रा? ये नोटिस है ना, पकड़िए। हाँ नहीं नहीं रिलीज वो नहीं, आज ही उन्होंने बनाई है, आज ही दी है वो। मैंने आपको समझाया लेकिन आप समझ नहीं पाए। ठीक है अब क्या कहना है मनपा वालों का कहना है कि ये बिल्डिंग अनऑथोराइज है करके, तो इसका मतलब सडनली उन लोग की आँख खुलती है और बोलते अनऑथोराइज है करके। हमारा बिल्डिंग का टैक्स क्लियर है, पानी का टैक्स क्लियर है, एसेस प्रॉपर्टी टैक्स क्लियर है, तो क्या हिसाब से अनऑथोराइज है फिर? आपके चैनल के सोर्स ये बताइए मुझे, कितना अरसा हो गया? काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं 25 से 30 साल हुए। मैं जब दुकान लिया था तो हम लोग ने 2013 में लिए थे, 2013 में लिए थे, और ये बिल्डिंग कम से कम 30 साल से ऊपर, 9 साल के ऊपर हो गया है। तो ये अब आपको जो है कह रहे कि दुकान के बदले कुछ नहीं मिलेगा? दुकान के बदले में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा एक रिकॉर्ड है हमारे पास गोस्वामी का, गोसावी का। हाँ। तो उसमें उसने बोला है क्या, पहले घर वालों का निपटाने के बाद हम लोग एक मीटिंग करेंगे दुकान वाले के साथ में, और उसमें लिखित में दिया जाएगा करके, वो रिकॉर्ड है हम लोग के पास। अभी आपने कोर्ट में भी कहा है कि हमारा कंपनसेशन देते हैं या रिहैबिलिटेट करते हैं, तो हम लोग जो है शिफ्टिंग के लिए रेडी है, तो शिफ्टिंग के लिए
रेडी है लेकिन हमारे को इन रिटर्न चाहिए, हमारे पास भी कुछ सेफर साइड के लिए हमारे पास भी कुछ प्रूफ होना चाहिए। कलकत्ता MMRDA जो भी कंसर्न अथॉरिटी है उन्होंने हाथ ऊपर करे तो फिर हमारा क्या, फिर जिंदगी भर की जमा पूंजी हमारी, हाँ जिंदगी भर की जमा पूंजी यहाँ पे जितने भी है बिलो पॉवर्टी लाइन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर एक महिला है हमारे साथ में, उनके पास घर में बहुत ज़्यादा सदस्य हैं, उनकी एक ही परिवार जो है बड़ा परिवार है, काफ़ी दिक्कतें उनको इस कार्रवाई से झेलनी पड़ रही है। जी हाँ जी जी, बड़ा परिवार, हम लोग तीन परिवार हैं, तीन परिवार एक, हाँ एक साथ है, तीन भाई, छह भाई हैं लेकिन तीन की शादी हो चुकी है। अच्छा। तो सब साथ में ही रहते हैं और हमारा 750 का एरिया है। अच्छा। एग्रीमेंट पे, हाँ और ये टैक्स पे बोलते हैं 5.25 का है। तो हम लोग को एक रूम दे रहे, तो हम लोग एक रूम में कैसे एडजस्ट करेंगे, इतनी फैमिली हम लोग कहाँ जाएंगे। अच्छा। हमारे बच्चे हैं सब म्यूनसिपालिटी में पढ़ते हैं। तो ऐसा कुछ तय किया गया था ना कि 550 के ऊपर जिनका एरिया होगा उनको दो फ्लैट देंगे। पाती पे 5.25 है ना, अगर नापेंगे तो 5.5 है, हम लोग नापे ना पाए हम लोग ने, वो गलती जो हुई थी, वो गलती लोग की, हमारी गलती नहीं है। अच्छा। तो हम कहाँ जाएंगे। मेरी राजू अंसारी से बात हुई थी उस ताल्लुक से, तो उन्होंने बताया था कि नापेंगे तो बड़े फ्लैट है लेकिन इन्होंने जो है वो गलती से कम लिखा। हाँ सही बोल रहे, ये उनकी गलती हमारी गलती नहीं, और हमारी इतनी बड़ी फैमिली हम कहाँ जाएंगे। तो अभी क्या क्या कदम उठाएंगे आप लोग, या तो हम लोग को दो फ्लैट दो या तो हम लोग को यही बना के दो। ठीक है। आपका भी दुकान है लेकिन नोटिस नहीं मिला है। नोटिस नहीं हमको मिला है। कितने ऐसे दुकानदार होंगे जिनको नोटिस नहीं मिला है। अब इस तरफ वाले को तो मिला है जिस तरफ कटिंग में जा रहा है, रोड के बराबर है, और जिस तरफ कटिंग में नहीं जा रहा है वो उनको नोटिस नहीं मिला है। और रहेगा सवाल, हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग का जिंदगी भर के वही है जो भी है छत, हम लोग कहाँ खाएंगे कहाँ कमाएंगे, हमारे बच्चे को हम कहाँ से खिलाएंगे कहाँ से पिलाएंगे, आज हमारा आसियाना उजाड़ देंगे तो हम तो रोड पे आ जाएंगे, हमारा तो कुछ है ही नहीं है, हम लोग कहाँ जाएं। अच्छा, मैं सब लोग एक मिनट मैं, आप सब बिल्डिंग के लोग हैं, दुकानदार हैं और फ्लैट के ओनर हैं, यहाँ के स्थानीय नगर सेवक है, ये वार्ड नंबर 33 है, चार नगर सेवक है, कौन मदद कर रहा है आपकी इस मसले को हल करने। जी क्या कहना चाह रही हैं। बोलना चाहती हूँ कि आज जितना जा रहा उतना जाए, और जो यहाँ रहते हैं उनको यहीं चाहिए घर। अच्छा। हम अपना एरिया नहीं छोड़ सकते, यानी जितनी जरूरत है उतनी बिल्डिंग कटिंग की जाए, जितनी जरूरत है पूरी भी नहीं, सिर्फ वो छज्जा जाए बस, और जितने लोग है बिल्डिंग उनको यहीं दे, और जिसको और अगर आना है तो वापस आके अपने लिए लड़े। जितना टेरिस है ना उतना ही कटने वाला है, जितना रोड कटिंग का निशान है उस पर भी आप भी जाके देख सकते हैं, निशान लगा हुआ है, निशान लगा हुआ, 12 फुट कटिंग होगा, 12 फुट कटिंग होगी ना, उसके बाद आगे की बिल्डिंग जाने बात और है। उन्होंने कंसर्न अथॉरिटी ने ये भी बोला है अगर हम लोग आधी बिल्डिंग तोड़ते भी है तो उसके बाद में ये बिल्डिंग को धोखाधड़ी डिक्लेयर करके पूरी तोड़ देंगे करके, ये भी बोला गया है। हाँ ये बोला गया है, ऐसा थ्रेटनिंग किया गया, थ्रेटनिंग किया गया है, धोखाधड़ी बिल्डिंग डिक्लेयर। इसीलिए तो मैंने दबंगई का विकास या विकास की दबंगई ये शब्द इस्तेमाल की है ना। चैनल के शोर से मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ की गरीब जनता उन लोगों को पूरी तरह से इंसाफ मिले बस, जो कट रहा हो काटो बाकी की बिल्डिंग नहीं कुछ भी। अभी दो तीन महीने पे कारपोरेशन के इलेक्शन है, तो ये दबंगई के विकास का क्या परिणाम रहेगा फिर चुनाव के दरमियान, क्या सोचेंगे, क्या देंगे इनको वोट, किस किस को वोट देंगे। हम हमारे लिए तो शिवसेना वाला आया, अभी शिवसेना वाले हमारे लिए आए थे वो आके गए, बाकी हमारे लिए कोई नगर सेवक नहीं आया यहाँ पे बचाव के लिए, तो हम तो उनके लिए खड़े होंगे, जो हमारे लिए खड़ा हुआ था हम उनके लिए खड़े होंगे। ठीक है तो ये आप लोगों ने बातें सुनी सब, तमाम रईस अनीस के दुकानदार मकान वाले, अब हमारे लिए हम यहाँ के नगर सेवक लोग खड़ा होना चाहिए था, वो नगर सेवक तो नहीं आया, बाकी सुशाना का नगर सेवक हमारे लिए खड़ा हुआ आगे। ठीक है, आ गई आपकी बात, वो आ गई है। ठीक है, ये मैं नोटिस जो मैंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया होती है इस तरीके से किसी भी मकानों को और दुकानों को इमारत को तोड़ने से पहले कि किस तरीके का आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कानूनन बंधन कारक है, अपरिहार्य है, उसका कोई मतलब कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपके पास पर्याय नहीं है, चाहे वो मनपा प्रशासन हो, मनपा आयुक्त हो, सहायक आयुक्त हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, आपको उसके तहत जाना होगा। हाईकोर्ट ने भी उन्हें यही आदेश निर्देश दिए हैं कि फॉलो द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी सबसे पहले इन फ्लैट धारकों को नोटिसें दी जाए, दुकान वालों को जितनी ज़रूरतें हैं तोड़ने वाले हैं उनको नोटिसें दी जाए। तो ये 22
फरवरी को इनको आज पहली नोटिस दी गई है और ये नोटिस भी इतनी हास्यास्पद है, 30 साल पुरानी बिल्डिंग आज साक्षात्कार हुआ है मोबरा प्रभाग समिति के सभी अधिकारियों को कि यह अवैध इमारत है, अवैध तरीके से बनाई गई है। तो 30 साल से आप टैक्स ले रहे, पानी का बिल ले रहे, उतने अरसे में आपको पता नहीं चल रहा है कि ये जो है इमारत जो है वो अवैध है, क्योंकि आज आपको तोड़ना है और कहीं ना कहीं उसका ढिंढोरा पीटना है। तो इसलिए हमने इसको कहा विकास की दबंगई या दबंगई का विकास, फैसला मुमरा कौसावासी करे। वो बिल्डर को पूछना जाके, हम कैसा पूछेंगे बिल्डर को? ओ साहब आज तुम्हें सब तोड़ लूंगा, क्या कागज क्या दिखाओ? है मेरा प्लान, मेरा खुद का लूं मैं, कागज देंगे क्या? नहीं तोड़ेगा, और की चार का तुमने तोड़ना क्या? नहीं तोड़ेगा, फिर पैसे वाले लोडिंग करो, ये बात कर लो, पापा ने जरा बोले क्या? नहीं तोड़ेगा। मैं क्या बोलता हूं, ऑनर लिख के दो, माड़ा में जो रूम दी है ऑनर लिख के दो, तुमने बोला ना हां मेरा खुद का प्लान है। बस क्या बोल दूं, तो चमत्कार ये सुर में सांगा का जो आया वही सब क्या बोले, तो ये मैंने आज ही कमिश्नर ऑफिस में डाला। हाँ ये सब लोग घुसे थे, सब बल्बल हथौड़ी लेके हमारी माँ बहनों को लड़ाया इन लोग ने, और ये ऑफिशियल लोग आए ले, ये कहिए समाज सेवक लोग है बोलते हैं गवर्नमेंट के, हमारा टैक्स काटे हमारे घर पे उपकार कर ले, गवर्नमेंट चलती है क्या बोला? ये पब्लिक के टैक्स राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिक्स चल रहा है यहाँ पे, गरीब लोग के साथ पॉलिटिक्स। हाँ नोटिस मिली ना, कुछ मिली आगे तोड़ने को खड़े हो गए। कमीशन के साथ में मीटिंग ली तो फिर उनको डबल चाबी का हमने इंतजाम किया, पहले हमने 22 चाबी लाई, 25 चाबी लाई, जिसका बड़ा एरिया है मतलब उसे दो रूम, वो 750 है 600 है उसको हम डबल रूम दिए। तो तभी फिर हम आए कि ये लोगों का कहना था, 4-5-6 बार एक साल से मीटिंगें चल रही थी, जब ये सब फाइनल हो गया तब हम इधर आ गए कि भाई अभी तुमको चाबी हम दे रहे हैं दो रूम की, और जिसका छोटा है 200 का है 300 का है उसको एक चाबी दे रहे हैं। वो हिसाब से हमने पूरा प्रोसेस पेपर वर्क करने के बाद में चाबी देने का प्रोग्राम किया। अभी जब वो लोग उधर जाएंगे रहने के लिए, फिर वो रूम उनको कैसा है कि दो रूम लेने के तो साइड साइड में रहेंगे तो अच्छे रहेंगे, कई लोग क्या बोलते हैं आजू बाजू, कई लोग क्या बोलेंगे कि हमको आमने सामने होगा।